भोपालियों का हमेशा रहता है कि भोपाल कैसा लगा। हेलो 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 हेलो, आई लव माई भोपाल। हाँ, आपका कब से हो गया? क्योंकि हमें बोला नहीं, वही मोहित जी मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये घर जैसा इसलिए है क्योंकि मैं सबसे ज्यादा भोपाल आया हूँ अपने करियर में। वाह, जोरदार तालियां इस बात के लिए। और हम तीन भाई हैं, भोपाल, नेपाल और सुनील पाल। तो आनंद जी की वजह से आज मुझे मेरे बिछड़े भाई भोपाल से तो मुलाकात हो गई, एक दिन नेपाल से मुलाकात करा दीजिए। और सबसे अच्छी बात है कि आनंद जी से मेरी बहुत पुरानी मुलाकात है। तो आप इनको नजदीक ले लो फिर। मुझसे लोग हमेशा पूछते हैं मोहित जी जी कि सुनील पाल आप कॉमेडी करते हो, सबको आनंद देते हो जी, ये आनंद लाते कहाँ से हो? मैंने कहा भोपाल से। शब्दानी जी है हमारे पास, शब्दानी जी है जो शब्दों के शब्दानी है, शब्ददानी है, ये शब्द ये दान देते हैं शब्द। जोरदार तालियां इस बात के लिए, क्या बात है, शब्दों के जादूगर तो आप हैं सुनील पाल जी। और आज मैं कोई कलाकार के रूप में नहीं आया हूँ। अच्छा, तो प्लीज यहाँ पे जितने भाई बहन साला साली इनके जो भी ये सोच रहे कि आज मैं पूरी कोशिश करूँगा हंसाने की, तो मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि घर वालों के बीच में आदमी थोड़ा शाय होता है, थोड़ा सा घबराता है क्योंकि यहाँ पे बुजुर्ग पे बैठे हैं और सब यहाँ पर आनंद जी को बर्थडे विश करने आए और सब सिंधी है लेकिन मैं हिंदी हूँ। लेकिन खुशी की बात है यहाँ पर सिंधी भी है, हिंदी भी है, मगर कोई चिंदी नहीं है। सदा रवे सिंधवाजी जोड़ी, माड़ू वड़न जी मिठड़ी बोली, गली गली जे घर घर गूंजे, सिंध अमर जा नारा नारा नारा। सिंध जिए सिंधवाड़ा जियन, सिंध अंदर टोपी वाड़ा जी, जिए सिंध जिए सिंधवाड़ा जियन, सिंध टोपी अदरक वाड़ा जियन। सदा रवे सिंधु जी जो, माड़ू वड़न जी मिठड़ी बोली, गली गली ए घर घर गूंजे, सिंध अमन जा नारा नारा नारा। जिए सिंध जिए सिंधवाड़ा टोपी, जय सिंध। वाह, जय सिंध और जय हिंद। क्या बात है, क्या बात है। दूसरा आनंद जी, आपको आप जियो हजारों साल, यही तहे दिल से दुआ दे रहा है सुनील पाल। रमेशा हमेशा रहना खुशहाल, बने रहना माला माल और मेरा प्रोग्राम करना हर साल। आज तो मैं दोस्ती यारी में फैमिली में आया हूँ, लेकिन किसी दिन ऐसा भी प्रोग्राम करेंगे जहाँ पर शिक्षा से जुड़े तमाम हमारे वो स्टूडेंट भी आएंगे जिन्होंने इनके साथ में शिक्षा ली और केवल भोपाल का ही नहीं देश का नाम दुनिया में रोशन किया। बिल्कुल, आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, इतना नेक काम करते हैं, तो मैं इसका कहता हूँ कि समाज सेवा से अच्छी कोई इबादत नहीं। हम पूजा करते हैं ना जी, पूजा अगर करनी है तो समाज की सेवा करो, समाज सेवा से बड़ी कोई पूजा नहीं, समाज सेवा से बड़ी कोई इबादत नहीं और किसी के दिल को दुखाने हमारी आदत नहीं। वाह, तो ये बहुत अच्छा काम आनंद जी करते हैं। आपके नाम में ही आनंद है, तो आप हमेशा आनंद फैलाते रहिए और जोरदार तालियां अपने आनंद जी के लिए। वाह, आज ये 16 साल के हुए हैं। हाँ, और हमेशा 16 साल के ही रहेंगे। माना आपके दोस्त पर इतना झूठ तो मत बोलिए। तो क्या डबल कर दो, उल्टा कर दो, 61 साल के कर दो। मोहित जी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ही नेक इंसान है, बहुत ही गुड लुकिंग इंसान है, ऐसा उनका खुद का मानना है। पर अब हम भी मानने लगे आपका एंकरिंग देख के, बहुत ही अच्छा एंकरिंग कर रहे हैं, जोरदार तालियां मोहित शिवानी जी के लिए। और आनंद जी आप परिवार के साथ में बैठिए, जोरदार तालियां आनंद जी के लिए। मैं चाहूंगा आप, मैं भी स्टेज से नीचे उतर जाता हूं, आप और सब लोग जुड़ जाएं, दो माइक है जिसमें आवाज ज्यादा अच्छी है वो लीजिए जी। कौन सा माइक ठीक है, ये या ये दोनों? जो सच नहीं बोलेगा उनके सपने में मामा आएगा, गाना सुनाएगा फिर। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं। सबसे पहले आनंद जी को शुभकामना देने के लिए देश के प्रधानमंत्री आने वाले थे, उन्होंने ट्रेन भी पकड़ ली थी, फ्लाइट भी पकड़ लिया था, लेकिन किसी काम की वजह से उनको अमित शाह ने बुला लिया। पर मोदी जी ने अपना भाषण मुझे दे दिया, शुभकामनाओं भरा, आनंद जी के लिए शुभकामनाएं भेजी है मोदी जी ने, सुना दूं?
जो खुल के एंजॉय नहीं करेगा उसके सपने में मायावती आएगी। नहीं नहीं मायावती मुखर्जी वो दूसरी, ये इनकी नहीं बात कर रहा हूँ मैं। ये साउंड ठीक हो गया? ये हमारे मीडिया वाले, इनके जोरदार तालियां, ये भी इंसान है। प्रेस, प्रेस का मतलब होता दबाना, हमेशा दबाते रहते हैं, बताइए कैसे हुआ, बताइए कैसे हुआ, बताइए कैसे। समाज को एकदम, जितने लोग मोबाइल लेके घूम रहे हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि घूमते रहिए, तुम्हारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। बड़ी खुशी की बात है कि सबसे अच्छी बात ये लग रही है मोहित जी कि आज के प्रोग्राम में परिवार के लोग मुझे सुन रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी वही है जिसके पास परिवार है, और आज तो रविवार भी है। हाँ, और सर जी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया, धन्यवाद सर। बर्थडे का प्रोग्राम ये भी बहुत इंजॉय करते हैं। मैंने कहा दादाजी आप क्यों इंजॉय करते हैं, बोले यही ऐसा दिन है कि जहाँ लोग कहते हैं वेयर इज बर्थडे बॉय। चार्ली चैपलिन आ गए, वेरी गुड। चाचा चार्ली चैपलिन, मामा तो है ही यहाँ पर, चाचा भी आ गए। साउंड ठीक कर लीजिए। हाँ जी, तो मोदी जी की आवाज़ सुना देता हूँ। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर घूम रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो देश का भविष्य है। छोटे बच्चे देश का भविष्य है और पीएम की वजह से भटक रहे हैं। देश का भविष्य पीएम की वजह से भटक रहा है। पीएम मतलब पापा मम्मी। हमारी बहुत ही खूबसूरत सिंगर यहाँ पर बैठी हुई है, इन्होंने जिस तरह से कपड़ा पहन रखा है, गुलाबी नोट 2000 की लग रही है, मोदी जी की 2000 की नोट लग रही है, और दो ब्लैक मनी, और ये ब्लैक मनी। बहुत ही प्यारे प्यारे लोग हैं, ये कीबोर्ड बजाते हैं। एक बार तो छोटा सा बजट कम था तो एक बार कैसी हो लेकर आ गए थे। एक भाभी ने पूछा भाई साहब ये क्या है, बोले कैसी हो, मैं तो ठीक हूँ, पर ये क्या है, कैसी हो, अरे बाबा मैं ठीक हूँ, ये क्या है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, तो इन्जॉय करते रहिएगा। तमाम लोग हैं, इनकी सबकी बात करता रहूँगा मैं, बताता रहूँगा। और यहाँ पर जितने भी लोग अभी मेहमान जो आ रहे हैं, सब मेहमानों से निवेदन करता हूँ कि मेहमान भगवान का रूप होता है, और भगवान अगर अपनी जगह पर रहे तो ठीक है, बैठ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब उनकी बात करता हूँ, मेहमान से बात उनकी याद आ गई जिनके भक्त हैं मोदी जी। हाँ जी, मोदी जी शुभकामना देने आने वाले थे। आपको पता है मोदी जी जब भी बात करते हैं, भाषण देते हैं, आपने कई बार सुना होगा उनका भाषण, ऐसा लगता है जैसे हवाई जहाज़ में बैठे हैं। जब बात भी करते हैं तो उनके आवाज़ में हवाई जहाज़ का इफेक्ट आने लगता है। कैसे, गौर से सुनिएगा। मित्र, आज तारीख 17 है और आप सबको खतरा है। खतरा इस बात का कि ये जो चार्ली चैपलिन है वो आपसे पेमेंट मांगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी इसको दे देगी। मित्रों, भोपाल के मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं आनंद शब्दानी को, मेरे मित्र को शुभकामना देने खुद आने वाला था, क्योंकि आनंद शब्दानी जो है ये भविष्य के प्रधानमंत्री है, और आज मैं राज की बात बताऊंगा। बता दूं क्या, इनकी राज की बात बता दूं, सुन लेंगे आप लोग। अब हाईलाइट ये कि ये बात सुनते ही अमित शाह को पता चल गया कि वो आज आनंद जी का बर्थडे है, तो अमित शाह भी अपनी भाषा में, अपने अंदाज में किस तरह से शुभकामना दे रहे। अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी ने आज ये निर्णय लिया है मित्रों कि भाई आनंद जी को हम शब्द शुभकामना देंगे। आज मेरा भाई आनंद कश्मीर लग रहा है, इस पे कोई धारा नहीं है, केवल एक ही धारा शुद्ध धारा आज तुम्हारे सपने में आएगी कश्मीरा सा। एक से बकर एक, अब लालू प्रसाद यादव आते तो कहते देखिए अब पगला, आज आनंद जी का बर्थडे मना रहा है, जो आनंद जी का बर्थडे मनाएगा उसको सबको रबड़ी दी जाएगा, रबड़ी खाने का बात कर रहा हूँ। हर एक अपना अपना अंदाज है, आइए कुछ कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देख रहा हूँ मेरे प्रोग्राम से जो उठ के जाएगा उसके सामने में राहुल गांधी आएगा,
तुमको चाहिए राहुल गांधी? ये दो लड़कियां जो उठ के जा रही है, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के जिंदगी में कोई कमी ना आए, मतलब कोई कमी ना आए। कैसी सहेली है, बड़ी खुश हो गए। अरे मैं अच्छा वाला बाबा हूं, बाबा रामदेव नहीं हूं। योगा से होगा, योगा से होगा, वरना किसी के बाप से भी नहीं होगा। योगा योगा आनंद भाई योगा करते तो आनंद में रहते। योगा से दुनिया की हर बीमारी ठीक हो जाती है, पता नहीं मेरी आंख क्यों नहीं ठीक हो रही है। ये देखो, ये देश का भविष्य बिगड़ रहा है, ये इंस्टाग्राम से आई है, यूट्यूब में शिफ्ट हो जाएगी, ये देखो फेसबुक, हर एक अपना अपना अंदाज है। एक मारवाड़ी अभी यहाँ पे जो सिंधी बच्चे हैं, अब वो बच्चा को देखा आम के पेड़ को पत्थर मार रहा है, सिंधी का बच्चा, और कह रहा है धत तेरी की निशानो चूक गियो। क्या कह रहा है? धत तेरी की निशानो चूक गियो। तो पीछे से साधु मारा जाए, ए बेटा धत तेरी की मत बोल, ये गाली है। अगर भगवान ने सुन लिया कि इतना छोटा बच्चा गाली दे रहा है तो ऊपर से बिजली गिरेगी, तो चल सकता है मर सकता है। लेकिन बच्चा भोपाल का, शब्दानी परिवार का, साधु की सुनने को तैयार ही नहीं, फिर पत्थर मारा, धत तेरी की निशाना चूक गया। ऊपर से सचमुच बिजली गिरी साधु के ऊपर, साधु जल के राख हो गया, और ऊपर से भगवान की आवाज आई, धत तेरी की निशाना चूक गया। तो जाहिर सी बात है भगवान भी भोपाल का ही होगा, क्योंकि भोपाल का हर बंदा भगवान है। ये जो खड़े हैं यहाँ पर, सबके सब भगवान है, देवी देवता है, और जो ताली नहीं बजाए वो राक्षस है। जो राक्षस है वो ताली नहीं बजाएगा, ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल करना पड़ता तब जाके बजाते हैं लोग। अब इनसे ताली बजाना है, भारत माँ से कौन कौन प्यार करता है, ताली बजाइए। अपने माता पिता से कौन प्यार करता है, ताली बजाइए। मैं खुद अपने लिए बोलूं तो कोई नहीं बजाएगा। यहाँ जितने भी पुरुष आए उनको प्रणाम करता हूँ, महिलाओं को अलग से प्रणाम करता हूँ, और जो बीच वाले आए, नहीं आते वो लोग, पुरुष इधर बैठे महिलाएं इधर बैठे, तो कंफ्यूज हो जाते कहाँ बैठूं मैं, कहाँ बैठूं, होता नहीं फैसला, मैं कहाँ बैठूं, होता नहीं फैसला, एक तरफ पुरुष है एक तरफ महिला, बीच में महिला। अभी मोहित शिवानी मुझे हर प्रोग्राम में लेके जाता, अभी परसों दिल्ली में लेके गया था एक प्रोग्राम में, बिना बात के ताली बज रही थी, बाद में पता चला छक्कों का शो था, छक्कों का शो में लेके कहीं भी लेके जाता है अपने अपने अंदाज में। अभी यहाँ पे जितने यूथ नौजवानों को देख रहा हूँ, ये सब फेसबुक वाली पीढ़ी जो है, और जब से फेसबुक आया है सुंदर सुंदर लड़कियाँ फोटो डालती हैं उसमें, चार चार घंटा मेकअप करके और पाउट निकाल के, फोटो डालती है और ऊपर लिखती है आज मैं घर में अकेली हूं। तो भोपाल वालों कितने कमेंट्स आएंगे, हम जैसा आदमी फोटो डाले और यही वाक्य लिखे आज मैं घर में अकेला हूं, तो आनंद जी का कमेंट आएगा फांसी लगा ले, मौके का फायदा उठा। हाँ एक समय करे, ये फोन जो है अब तो इतना सस्ता हो गया है, कुत्ते बिल्ली भी खरीद रहे हैं। मेरा दोस्त है कुत्ता, हाँ वक्त पे गधे को बाप बोल सकते हैं तो कुत्ते को दोस्त नहीं बोल सकते। तो कुत्ता कहीं बिजी था तो उसके फ़ोन से आवाज़ आई, आप जिस उपभोक्ता को कॉल करने का प्रयत्न कर रहे हैं वो उपभोक्ता कहीं और भौंकता है, तू भी कहीं और भौंक। फ़ोन का इतना ज़्यादा मामला हो गया है, अलग अलग तरीके से बदल गया। जैसे यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, एक लड़के ने अपनी प्रेमिका को बोला आज तुझे महंगे होटल में खाना खिलाता हूँ, महंगे होटल में खाना खिलाता हूँ बोला। लड़की ने कहा चल, बहुत महंगे होटल में लेके गई, इतना महंगा डिश मंगा लिया, डिश आती उसका चेहरा सूख गया लड़के का। लड़की ने कहा क्या हो? हाँ जी नहीं, वो बैठने दो अपने ही लोग हैं, आप ही बैठ जाइए, धन्यवाद।
पंडित जी प्रणाम। पंडित जी का आशीर्वाद मेरे सामने बैठे हैं। अब पंडित जी का आशीर्वाद मिल गया, समझ जाइए कि इनका आशीर्वाद मतलब ये समझ जाना कि आदमी तरक्की करता है। जोरदार ताली पंडित जी के लिए। ये जोरदार थी। कौन अपने माँ बाप से प्यार करता है तो ताली बजाइए, उनको ऐसा बोलना पड़ता है। अभी भोपाल का किस्सा बता रहा हूँ। ये मोहित एक दिन पी के टाइट बच्चे के बर्थडे में चला गया और बच्चे को बियर गिफ्ट कर रहा। बियर, माय डियर टेक दिस बियर। तो आनंद जी ने समझाया कि बेटे बच्चे को बियर गिफ्ट कर रहा है, सॉरी माय मिस्टेक, उन्होंने बियर को टेढ़ा कर दिया, ये ले बेटा, ये क्या है, टेडी बियर। दिमाग देखो। तो मैं ये कह रहा था कि मोहित की का ही किस्सा सुना रहा हूँ मैं। वो नौजवान यही था, अपनी प्रेमिका को लेके गया महंगे होटल में खाना खिलाने के लिए। लड़की ने इतने महंगे डिश मंगा लिए, पसीना सूख गया, जब बिल आया तो मुंह सूख गया। तो लड़की ने कहा क्या हुआ तुम्हारा मुंह क्यों सूख गया, तो गाने में कहता है मुंह सूखाने की वजह तुम हो, बिल चुकाने की सजा तुम हो। लड़की बोले चलो चुपचाप बिल दे दो। दिया जाए ना जाए ना जाए ना। फिर वेटर को बोला, वेटर को, ओरे लड़के तू मुझे बतला, क्या साहब, बर्तन धोने की जगह दिखला। सर पहले सूप तो पियो। पिया जाए ना जाए ना। वो दिन और आज का दिन है, 6 मिनट तो क्या हम अपने वेटर था एक दुकान में, आ जाइए बैठे। तो ये जो यूथ है, ये जो जवान नौजवान है, अब आ रहे हैं प्रोग्राम में, भिड़ रहे हैं, सामने बैठ रहे हैं, जो खाने वाले खा रहे हो तो उनको कुछ नहीं कर सकते हम लोग, वो तो आप आज खा के ही जाएंगे, लेकिन आप लोग मेरा एक बात निकली बार जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाए, तो श्री बात क्या नहीं भी होगा तो भी मैं आऊँगा, क्योंकि मेरा नाम उनका कहना था और तुम आनंद देते हो, तो आज भोपाल की जो निवासी है वो आनंद देने की कोशिश करूँगा। आज किसी आनंद को लेने के लिए कार्यक्रम किया जाए, जहाँ पर उत्साहित हो रहा है, तो बस सभी आशीर्वाद देना चाहूँगा और अपना आशीर्वाद शिक्षा भी दूर के साथ साथ समाज में भी आते हैं काफी, और आपके प्यार लाउंज को लेकर भी आपका प्रयास आज आपकी देखा सीखी को देखिए ब्रह्मा ने भी कैसा महसूस है। कहते हैं ना कि अकेला चलता चल और लोग जुड़ते जाएंगे और कारवा बनता जाएगा, तो उसी प्रकार से मैं अकेला चला था और मुझे खुशी हो कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं ने इस समय साथ दिया और अब पूरे विधायक जी खुद कर गए। बस बुरा ये लगता है कि जब सरकार तब अगर वो इसको लिए करते तो शायद बहुत आसानी से बंद हो जाता, आज सरकार कांग्रेस की है। लेकिन बताना चाहूँगा कि मम्मा जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, साथ में ये भी बताना चाहूँगा कलेक्टर साहब ऑलरेडी उसका बंद कर चुके हैं, उसका आदेश हो चुका है, बस उस आदेश के अगेंस्ट इसके आ गया है हाईकोर्ट से, बस उस डिस्प्ले को वैकेंट कराना है जो बहुत आसान है। आने वाली युवा पीढ़ी को ऐसा क्या संदेश देना चाहिए, अच्छे रास्ते पे चले और अच्छा शिक्षा मिले। आजकल युवाओं को हर चीज़ शॉर्टकट चाहिए, उनको लगता है कि एक चुट्टी पर नौकरी लग जाए, दूसरी चुट्टी पर मकान आ जाए, तीसरी चुट्टी पर शादी हो जाए, तो बस ये बताना चाहूँगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, सफलता का मेहनत करना चाहिए और मेहनत कोई भी करेगा तो प्रोग्राम देख रहे, इसका एक ही मतलब निकलता है, आप कला प्रेमी हैं, या तो कला प्रेमी हैं या तो पहले से खा के बैठे हैं, हाँ, या तो उनको खाने के लिए बुलाया नहीं, बोले प्रोग्राम देखो अगर तुम्हारा सुनना पसंद है तो खाना खिलाएंगे, है ना। तो ये अलग अलग अंदाज पेश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने। पंडित जी ठीक लग रहा है, जरा दो तालियों की बजाई थी पंडित जी के लिए, हाँ ठीक कर लो, हाँ धन्यवाद, थैंक यू। अब मैं महिलाओं की बात करता हूँ, यहाँ पर जितनी महिलाएं आई हैं मैं प्रणाम करता हूँ, ये नेचुरल ब्यूटी है,
भगवान ने इनको सुंदर बना के ही भेजा है और ऊपर से भेजा भी भेजा है, ब्यूटी विद ब्रेन। कुछ महिलाएं होती है दिन भर ब्यूटी पार्लर में रहती है, इतना मेकअप कर लेती है, इतना मेकअप कर लेती है, जब उनसे उम्र पूछो तो उम्र छुपाती है। भाभी आपकी उम्र क्या है? अब वो पहली बार बता रही है, सवाल चेंज कर नाच गाड़े लेने दोनों कचोरी जी मोड़ो टाइम पास कर रहा हूं। 18 है भाऊजी, क्या उम्र 18? आपने आंकड़ा कहीं उल्टा तो नहीं कर दिया? 81 तो नहीं है आपकी? अरे 18 है। भाभी आपकी बची हुई उम्र नहीं पूछ रहा हूं, जो गुजर गई वो उम्र क्या है? अरे 18 कहा ना। अरे भाभी आपकी बेटी जो पिंकी है वो भी तो 18 साल की है, तो क्या हुआ? हम औरतें देवियां हैं और देवियां चमत्कार करती रहती है, राक्षस कहीं के। हमारे देश की जो महिलाएं इतनी टैलेंटेड है, चुगली ऐसा करती है कि भगवान भी समझ नहीं पाता है। दो औरतें चुगली कर रही है, दो औरतें कैसे चुगली कर रही है? शीला यहाँ चुगली है, अब आ गई कान में चुगली कर रही है। परसों की बात है, कुत्ती कीता है ना मेरे सामने, देखा मुझे लगा कि अपने क्या मतलब, फिर भी ऊपर से भगवान टेंशन में है। चित्रगुप्त है, चित्रगुप्त ये कौन सा गुप्त चित्र है? ये भाषा तो मैंने बनाई नहीं। तो चित्रगुप्त कहते हैं समझने का प्रयत्न न करें महाराज, इसे गूगल भी नहीं उगल पाएगा, ये चुगल लैंग्वेज है, इस पर फिर मन सकती है चुगले आजम। अच्छा अभी भी कुछ लोग मेरा प्रोग्राम ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई मैं कॉमेडी नहीं कोई सदमा हूं, मतलब खुद तो हंस नहीं रहे, जो पीछे वाला हंस रहा उसको बिटराते हैं। तुम क्यों हंस रहे हो? तुम आए कैसे? गाड़ी लाए हो? मुझे ले जाना, मैं पैदल आया हूँ। ये देखो साउंड बॉक्स हंस रहा है, उसके बाद भी मशीन हंस रही है, लेकिन ये नहीं हंस रहे। जो लोग नहीं हंस रहे हैं उनको मैं कहता हूँ कि मोहित अगली बार कपिल शर्मा को बुलाना, और जो नहीं हंस रहा है ना यही एक्सप्रेशन देना, यही देना एक्सप्रेशन जो मुझे दे रहे हो। अगर इस एक्सप्रेशन को देखने के बाद माँ कसम कपिल शर्मा ने अपना धंधा नहीं बदल दिया तो मेरा नाम बदल देना। हाँ कर लो, उसने रिकॉर्ड करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है। हाँ खुश हो माले मुफ दिले बेरहम। हाँ जी, हर एक अपना अपना अंदाज है, मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने। आप लोग पूरे परिवार के साथ में आए हैं, हर एक अपना अपना अंदाज होता है। मिसाल के तौर पर देखिए, अब आप टेलीविज़न यहाँ पर जितनी महिलाएं आई हैं अपना फेवरेट सीरियल छोड़कर आई है, त्याग की देवी है ये, ऐसा त्याग मैंने देखा ही नहीं आज तक। क्योंकि सीरियल जब मैं घर पे देखता हूँ, मेरा फेवरेट सीरियल है क्राइम पेट्रोल, क्योंकि मेरी शक्ल के लोग वहीं आते हैं, मेरी शक्ल के लोगों को हीरो बनाया जाता है उसमें। मैं देख रहा हूँ क्राइम पेट्रोल, पीछे पत्नी आ गई, अच्छे मुझे मारने का प्लान सीख रहे हो, ये मत भूलो कि मैं सावधान इंडिया देखती हूँ, सावधान इंडिया वो देखती है। हर एक अपना अपना अंदाज है। एक महिला टीवी के सामने बैठी है, दिया और बाती पूरा देखूंगी, दिया और बाती चाहे भूखा मर जाए जीवन साथी। अगले जन्म में पीटीआई की जो उस प्रोग्राम में अगर शक्ति कपूर होता तो प्रोग्राम का नाम होता अगले जन्म में घटियाई की जो। एक सबक है, मैंने आनंद जी से पूछा कि आप कौन सा प्रोग्राम देखते हैं, बोले मैं कॉमेडी प्रोग्राम देखता हूँ, बोले कौन सा, बोले फिर, बोले ये कौन सा प्रोग्राम है, तो बाद में पता चला वो सॉफ्ट टीवी पे FIR देखते हैं। फिर फिर मैं उनके पास गया ही नहीं। कुछ लोगों के चेहरे ही परेशान होते हैं, अभी देखिए मैं यहाँ भी देख रहा हूँ परेशान, और हवा हालचाल पूछो तो फर्स्ट क्लास ही बताएंगे। कैसे भैया? फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। माँ कैसी है? बीमार है। बाप पागल हो गया है। भाई जेल में है, नौकरी छूट गई, बच्चे हुए नहीं, बीवी तलाक, नाम क्या है? लकी। वाह क्या बात है, उसका नाम लकी है। एक मेरा दोस्त है पूरा बर्बाद हो गया, सब कुछ बिक गया उसका, सब कुछ बर्बाद हो गया, नाम है विकास, देश की तरह। मैंने कहा तो विकास है तो गांव में जा, गांव में विकास की जरूरत है, तो कहता है वहां मेरी छोटी बहन है प्रगति। एक सबक रे, एक आदमी पूरा बर्बाद हो गया, पूरा बर्बाद, नाम है राजा। एक ऑफिस में देखा मैंने, प्यून का नाम साहेब लाल, चपरासी का नाम साहेब लाल,
और बॉस का नाम सेवक राम। एक मेरा दोस्त हफ्ते में एक बार नहाता है, नाम है शावर अली। एक तो सुनने वाला किस्सा है, मेरा दोस्त है हद से ज्यादा लालची, बहुत लालची है, उसका नाम है संतोष। मैंने उसके माँ से पूछा कि माँ संतोष कैसे हुआ, तो माँ बोली हमारे सास ससुर मरे और हमको संतोष हुआ। गुना का किस्सा बता रहा, गुना का एक फिल्म आई थी हरामखोर, फिल्म का नाम हरामखोर, पता नहीं किस हरामखोर ने बनाई थी। बच्चा कह रहा मम्मी से, मम्मी मम्मी हमको हरामखोर दिखाओ ना। वो मासूम बेचारा बच्चा पिक्चर दिखाने ले कह रहा था, माँ कहती अच्छा हरामखोर देखना है, शाम तक रुक जा, तेरे दादाजी और चाचा जी गाँव से आने वाले हैं, उन्हें सर से पाँव तक अच्छी तरह से देख ले, मैंने उनसे बड़े हरामखोर जिंदगी भी नहीं देखे। अच्छा महिलाओं की आवाज़, अगर आप फ़ोन करो तो फोन में औरतों की आवाज़ है, आदमी परेशानी में फ़ोन कर रहा है वहाँ से औरतों की आवाज़, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। आदमी भोपाल का है, क्या कहा तेने, क्या कहा, मशीन से बात कर रहा है, तेने क्या कहा रिपीट कर, फिर फोन लगाया, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, तू तो फ्री है ना, चल ऑनलाइन हो जाती है। बिल्डिंग के लिफ्ट जा रहा, लिफ्ट में भोपाल का आदमी, लिफ्ट में कोई है नहीं, औरतों की आवाज, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, तू है कहाँ, सामने आ जा सीधा टॉप फ्लोर पे चलती। भोपाल स्टेशन पे देखा महिला अनाउंसमेंट करती है, कृपया यात्री ध्यान दे, तो जो ड्यूटी पे जाने वाले होते हैं अप डाउन करने वाले, वो उस आवाज में खो जाते हैं, ध्यान दे रहा हूं, तुमको पता नहीं अंदर ही अंदर मैं 13 साल से तुम पे ध्यान दे रहा हूं, कभी तो सामने आ आकाशवाणी, प्लेटफॉर्म क्रमांक एक की गाड़ी एक से जाएगी, हम जाएंगे ही नहीं, प्लेटफॉर्म क्रमांक दो की गाड़ी दो से जाएगी, मैं मिल के जाऊंगा। लेकिन शाम तक यही लड़की अनाउंसमेंट करके, उसका गला खराब हो चुका है, अब शाम को इसी लड़की की आवाज, टिंग टिंग, कृपया यात्री ध्यान दे, ध्यान दे, तेरे बाप की नौकर नहीं हूं, सुन ले रे भोपाली, प्लेटफॉर्म का मांग एक की गाड़ी यार्ड में जाएगी और दो वाली भाड़ में जाएगी, और तीन वाली मत बैठना उसमें, मैं खुद जाऊंगी और तू बैठे तो खुद जाऊंगी, अम्मी मोंजोली का। अच्छा कुछ छोटे स्टेशन भी अपने आसपास में जहां दिन में एक ही ट्रेन रुकती है, अनाउंसर पीके टाइट, कोई काम ही नहीं, दिल्ली जाए उस्ताद, नीट पिला दी रे, दिल्ली जाओ, सूचना समाप्त। अब ट्रेन आ रही, अब मोहित ने किसी मद्रासी से पूछ लिया, अन्ना ये आपकी भाषा में बोला क्या, कुछ समझ में नहीं आया, तो मद्रासी भड़का हुआ, मैंने कहा मैडम नहीं, ये बेवड़ा क्या बोलता है मैडम नहीं, इसका चक्कर में मैं 10 दिन से सामान लेकर खड़ा है, ये बेवड़ा का रॉन्ग अनाउंसमेंट की वजह से मैं मद्रासी आदमी 5 बार पंजाब जा चुका है। ट्रेन में आप सोए हो बर्थ पे, और रात के टाइम चाय वाले थे चाय बेचने के लिए, ठंडी में इंसान का हम भूत लेते हैं, भूत उनकी आवाज़ भी ऐसी होती है, जय बोलो जय जोरदार ताली एक बार प्लीज। मुझे लगता है कि टीवी पे हंसाना आसान है, स्टैंड अप कॉमेडी लोगों के बीच में आके आपका हंसाना बहुत टफ होता है। जोरदार ताली एक बार सुनील पाल जी के लिए हो जाए, और 2-4 फोटो बिना शॉल के भी आ जाए। बाबा शुक्रिया, शॉल वापस करना बाद में, नहीं हम लोग ऐसे ही करते, पहना के वापस ले लेते। पिछली बार प्रोग्राम में 3 शॉल गायब हुई थी। बहुत ही प्यारे इंसान है, दिल का साफ है और दिमाग का भी, मतलब दिमाग में कोई गंदगी नहीं, बड़ा प्यारा इंसान है और बहुत ही प्यारा इंसान है। ए दोस्त जहाँ तुझे कांटे मिले वहाँ फूल हो जाऊंगा, वाह 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 वाह। ए दोस्त जहाँ तुझे कांटे मिले वहाँ फूल हो जाऊंगा, और जहाँ तुझे चांटे मिले वहाँ गुल हो जाऊंगा। बहुत प्यारा इंसान है, और आइए मैं ट्रेन की बात आगे बढ़ता हूँ, तुम्हें कुछ कहना है तो कहना। नहीं नहीं आप कहिए। बहुत ही प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो, अच्छे इंसान है। आइए मैं वो ट्रेन में एक से बकर एक लोग आते हैं, अभी मैं एक बार खिड़की के पास बैठा था भोपाल में,
एक वड़ा बेचने वाला आया, वो मेरी आंखों से आके मिला के ऐसा वड़ा वड़ा बेच रहा है जैसे मुझे धमकी दे रहे हैं। भोपाल का था, बोलो वड़े वड़े बोलो बोलो वड़े वड़े बोलो 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 वड़े 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 बोलो। बोला मैं क्यों बोलूं, ये तेरा धंधा, तू बोल। वड़े बोलो, वड़े खुश, वड़े आप आगे बढ़े, आगे आनंद जी बैठे, उनको बेचो, उनको बड़े अच्छे लगते हैं। एक मौसी बैठी थी, ये सुनने वाला किस्सा है, शायद वो समोसे वाला होशंगाबाद का था, समोसा बेच रहा है मौसी को, मौसी विधवा थी, उसको उससे कह रहा है, मौसी समोसा, ए मौसी समोसा। तो बुढ़िया ने कहा, नहीं बेटा मैं समोसा नहीं खाती। तो उसको भड़क गया, अच्छा मौसा खा गई और समोसा नहीं खा सकती। सबसे ज़्यादा मज़ा आता टिकट खिड़की पर, एक होशंगाबाद वाला आया, एक कन्याकुमारी देना, एक गुना वाला आ गया, दो कन्याकुमारी देना, एक भोपाल वाला आ गया, उनका चाचा, एक शादीशुदा औरत देना। उसको लगा रेलवे ने कोई स्कीम निकाली है, जल्दी फैसला ख़त्म हो जाएगी। अब आपको तो पता है रेलवे अपना ट्रैफिक के फाइन कितने खतरनाक हो गए, किसी ने भरा है यहाँ पर? भगवान ना करी कोई कोई भरे, इतना ज़्यादा फाइन हो गया है। उसके बावजूद देखा मैंने, यो हनी सिंह पी के टाइट घूम रहा था, गाड़ी चला रहा था, चार बोतल वोड का काम मेरा रोज का। अब भोपाल के हवलदार ने देख लिया, बोले बाहर है, अब वो समझ गया कि भोपाल का हवलदार है, रिश्वत तो लेगा नहीं, तो अपने रैप के स्टाइल में समझा रहा उसको, यार मेरा हवलदार तू है सुपरस्टार, तू है पुत्र एमपी का जैसे तलवार, क्या करेगा थाने जाके यही कुछ लेके देके छड़ दे छड़ दे छड़ दे, क्या करेगा थाने जाके यही कुछ लेके देके छड़ दे छड़ दे। उसके बाद भोपाल के हवलदार ने उसको इतना मारा है, इतना मारा है, आजकल किसने देखा है वो यो हनी सिंह को? वो सूझा हुआ नहीं है, वो मार खाया हुआ है। एक सब लग, अच्छा यहाँ पर जितने लड़कियाँ देख रहा हूँ मैं, बड़ी खूबसूरत लड़कियाँ हैं, और एमपी में तो लड़कियाँ आप छेड़ भी सकते, यूपी में नहीं छेड़ सकते। वहाँ के जो मुख्यमंत्री है योगी जी, उन्होंने लड़कियाँ छेड़ने वालों को, योगी जी लड़कियाँ छेड़ने वालों को यूपी में भगवा भगवा के मार रहे हैं, भगवा भगवा के। लेकिन यूपी के लड़के जो है, उन लड़की को देख के उनके अंदर से आशिकी निकल ही आती है, लड़की को देख के, मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है। फिर अचानक मुख्यमंत्री याद आते हैं, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है, ओ मेरे सीएम हाय तेरे नियम। फिर भी एंटी रूम स्कूड वाला आ गया, बहुत मारा, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। अब पत्रकार लोग चले गए, कैसा लग रहा है? तो वहाँ भी गाने में कह रहा है, राह में उनसे मुकालात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। अब कैसा लग रहा है? आप एमपी के लोग कमाल के जादूगर लोग हो। अब मैं इस तरफ के लोगों से बात करता हूँ, ये बेचारे अपने आप को बड़े उदास महसूस कर रहे हैं। आप उदास नहीं है, आप पंकज उदास है, ये दो लोग अपने ही है ना, इनको बोलो कुछ खाए पिए, खाना ना खाए पत्रकार लोग। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये बड़े डिसिप्लिन से बैठे हैं, और कुछ लोग हंस नहीं रहे हैं, इसे पता चलता है शादीशुदा है। हंस ही नहीं सकता शादीशुदा आदमी, शादीशुदा पुरुष अगर दुनिया अपना शहर से कहीं बाहर भी जाए, अगर वहाँ भी हंसने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पत्नी को पता चल जाता है, वो फ़ोन कर देती है उसको और उसको बैलेंस कर देती, अच्छा खासा आदमी डांस कर रहा है। इतने में पत्नी का उसी वक्त फ़ोन आ जाएगा जब वो खुश हो रहा है, तभी सामने डांस करने वाली लड़की, क्या हुआ सर? काल काल सर कॉल है? नहीं मेरे लिए काली है, घंटी बज रही फ़ोन पे, खुद आके वाइब्रेटर पे, काटना तो चाहता है फ़ोन काटना तो चाहता है मगर ताकत उसके बाप में भी नहीं। फिर भगवान से बोलता है, गॉड प्लीज़ बचा लो मुझे, तो ऊपर से भगवान बोलते हैं, इस मामले में नहीं, तेरे को मैं बचाऊंगा, फिर मुझे कौन बचाएगा। इतना हमारे महिलाओं का, महिलाओं की दहशत है, लेकिन यही है नारी शक्ति। जोरदार तालियां, वाह नारी शक्ति, कितना रिस्पेक्टेड नाम है,
पुरुषों को क्या है? मैन पावर, मजदूरों वाली फीलिंग आती है, मजदूरों वाली। हमारे पास मैन पावर बहुत है। अभी आप रेडियो सुनते होंगे रात के टाइम में, रेडियो हेलो हाय आय आय, मैं हूँ लव गुरु, प्यार से जुड़ा कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। एक भोपाल ने कर दिया, हेलो अरे लंगोली बन लिया, मैं बोल रहा हूँ कल्लू पहलवान, अरे लौंडिया से प्यार हो गया, अरे शादी करना जा रही हूँ, उसका भाई नहीं मान रही है। कौन है उसका भाई? तू है कुत्ते? भोपाल के लोगों से पंखा ले ही नहीं सकते आप। एक से बैठ गए, आइए कुछ फिल्मी कलाकार की पेश करता हूँ आवाज़ें, आप लोग पसंद करते हैं क्योंकि फिल्में देखते रहते हैं आप लोग, टीवी भी। जोरदार तालियां एक बार सुनील भाई के लिए, मुझे लगता है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपनी बात कह रहे हैं। वाह, माधुरी दीक्षित की फिल्म आई थी आजा नचले, कौन सी फिल्म? वो फिल्म बिल्कुल भी नहीं चली, पता है क्यों? क्योंकि हिरण खुद ही बोल रही है नचले 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 नचले, तो नहीं चली। सपने में सोचा कि माधुरी को किडनैप कर लिया वीरप्पन ने और छोड़ाने पहुंच गए फिल्म स्टार तमाम, लेकिन सबसे पहले जाते हैं नाना पाटेकर। अब नाना पाटेकर वीरप्पन के सामने, दोनों आमने सामने एड़े, दोनों एड़े, अब क्या होता देखिए नाना पाटेकर। अच्छा है, एक लड़की को जंगल में उठा कर लाया है, बहुत अच्छा है। वीरप्पन ने बंदूक उठाई, बंदूक नीचे कर, बंदूक नीचे कर, अगर असली बाप की औलाद है तो बंदूक नीचे कर। तो वीरप्पन ने कहा क्या करेगा तू? एक बार बंदूक नीचे कर, ऐसा भागूंगा तेरे बाप को भी नहीं मिलूंगा। और भाग के कहां गए? उस लड़की के पास जिसने गाना गाया उलाला तू है मेरी फैंटेसी। लड़की कहती है छूना ना अब मैं जवा हो गई। उससे कह रही लड़की से, इधर आ, कहां छूना है तुझे जल्दी बता मुझे। लड़की बोली क्यों? अरे तू ही तो कह रही है छूना ना तो नाना छूने आ गया, साथ में लाला को बुलाया उलाला उसको भी बुला ला। अच्छा वो डांस कोरियोग्राफर कहाँ जा रही है लड़की? खुशी इधर पिंकी का मतलब भी गुलाबी होता है, 2000 के नोट कम यार। इस लड़की में दिल आ गया है, इस चक्कर में बता ना कईयों का पहले भी आया है। अच्छा मेरा दिल मत तोड़ना वरना मैं मुंह तोड़ दूंगा। हाँ ठीक है चलेगा, मैं मुंह तोड़ दूंगा मोहित का। हाँ हाँ जी, एक शेर कर रहा हूँ कि तेरे प्यार में, वाह वाह, तेरे प्यार में मैं इसका गार पे आ गया। आनंद भाई, तेरे प्यार में मैं इसका गार पे आ गया, जिस दुकान का मालिक था उसी में पगार पे आ गया। और कल तक ये कहती थी मैं तुम्हें चाहूंगी युगो युगो, वाह वाह, कल तक ये कहती थी मैं तुम्हें चाहूंगी युगो युगो, आज एक अमीर मिल गया तो मुझ गरीब को कहती है युगो युगो युगो। मैंने तुझे खरीद के दिया 2 BHK, बाबा बाबा, मैंने तुझे खरीद के दिया 2 BHK, उसे भी कमबख्त था कि 2 BHK। ये जुल्फे हैं तुम्हारी या रेशम का जाल, बाबा ये जुल्फे हैं तुम्हारी या रेशम का जाल, जिसमें जू बन के फंसा हुआ है सुनील पाल और निकालेगा पूरा भोपाल नेपाल। एक शेर अच्छा आज कर दूंगा ताकि अच्छा लगे माहौल को, एक अच्छा माहौल मिले। ये लड़की नहीं देश का गहना है, अब तो खुद ही वाह कह रहे हो यार। ये लड़की नहीं देश का गहना है, ये जो यहाँ पर खामोश बैठे हैं ये उनकी बहना है, सारी उम्र आपको ये सहना है। तुम कुछ कहना चाहती हो? बहुत बढ़िया तुम्हारा कोरियोग्राफी टीम था, इसीलिए तुम्हें बुलाया कि इतना अच्छा डांस किया तुम लोगों ने कि इंडियाज गॉट टैलेंट वाले भी फेल है तुम्हारे सामने, भोपाल गॉट टैलेंट रियली बहुत ही अच्छा डांस किया। आपके डांस ग्रुप का नाम क्या है? पिंकी डांस ग्रुप। आपने अपने नाम से रख दिया? जी। अच्छा हाँ जी, पिंकी डांस ग्रुप। पर मैं घर से सोच के आई थी। क्या सोच के आई थी? अच्छा इसकी शक्ल देखो, ये कंगना रनौत से मिलती जुलती कि नहीं? गुजुनी जूनियर कंगना रनौत। मैं ये सोच के आई थी कि है ना मैं आपके साथ एक फोटो खिंचवाऊंगी। ओके, अब फोटो क्या भाड़ में गया, यहाँ तो वीडियो बन गया। तो ये अच्छी बात होगी ना?
थैंक यू, अपना नंबर देके जाना मुझे, ठीक है जी। और डांस के लिए ठीक है, ओके ओके। अच्छा, यहाँ जितने लौंडे असल लड़के हैं वो तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या? आई लव यू डार्लिंग, ये कहना चाहते हैं मेरे दिल में। नहीं ठीक, ओके ठीक है, इनसे बोल दो आई लव यू टू, बोल दो। तेरी सैंडल है पैर में, ये वाकई बहन ही है। जा तुझे मायावती करूँ, मायावती बन जाओ। बहुत प्यारी है, जोरदार तालियां। मजाक कर रहा हूँ लेकिन बहुत ही प्यारा ग्रुप था। ए, फोटो ले लो, ले लो। जल्दी, जल्दी जल्दी नहीं, आराम से लो। उतना देर में बैठी रहेगी आपसे। मोबाइल तुम्हारे बेटा? नहीं, महंगा इसलिए पूछ रहा हूँ, शक्ल मोबाइल मैच नहीं खा रहा है। इतनी कम उम्र में चश्मा लग गया। खिंचा भी नहीं। फोटो खींच रही हो, हमारी खिंचाई कर रही हो? बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। ये भी बहुत टैलेंटेड लड़की है, इसका भी नाम बच्चा बच्चा जानता है। क्या नाम है तुम्हारा? खुशी। आया, फाइनली खुशी मिल ही गई मुझे। आनंद तो मिल ही गया था, खुशी भी मिल गई इस महफिल में। अब आनंद और खुशी है, ओके ओके। और तुमको भी आना है इधर, आ जाओ खुशी, तुम भी आ जाओ। अभी ये खुशी दुबली पतली है, देखना दो चार साल के बाद फैलेगी खुशी, फैलेगी सब तरफ। खुशी को फैलना चाहिए ना। बहुत अच्छा, वेरी गुड, फोटो निकालो बढ़िया सा। और आपके डांस के ग्रुप के भी जो जितने लोग हैं, वो डांस ग्रुप नहीं, वो ब्लड ग्रुप है, और मेरे लिए तो व्हाट्सएप ग्रुप है। हाँ तो खुशी का फोटो तो ले लो पहले, वो खुद बेचारी दुखी हो रही है। हाँ वेरी गुड खुशी, तुम जियो हज़ारों साल, यही तहे दिल से दुआ दे रहा सुनील पाल, ठीक है, और इनका साथ देते रहना, ठीक है। जोरदार तालियां इस पूरे डांस ग्रुप के लिए। अब हमारे जो म्यूजिशियन भाई बैठे हैं, ये काफ़ी देर से सोच रहे हैं कि क्या करे क्या करे और क्या करे, तो मैं क्या करूँ, तो मैंने सोचा कि इनका कुछ फ़ायदा उठाया जाए। तो फ़ायदा उठाए इनका, कुछ म्यूजिकल आइटम करें। वाह, सुनेंगे आप लोग? बिल्कुल। अरे ढोल वाला म्यूजिशियन, इधर के भी लोगों को जोश आ गया। ये सूरज, ये ढोल नाका कहाँ से आ गया? ढोल वाले, ढोल वाले बंदे बड़े अच्छे हैं, दलेर मेहंदी का प्रोग्राम करने वाले हैं, तो ढोल चाहिए। इसके डंडे ले लो बस बाकी। हाँ जी, तो मैं एक वीरप्पन का आइटम खत्म कर देता हूँ, उसके बाद फिर हमारे म्यूजिशियन भाई से मैं सपोर्ट मांगूंगा। वीरप्पन के सामने माधुरी छुड़ाने के लिए पहुंच गए एक ऐसे का। एक बार थैंक यू ऑल ऑफ यू। इरफान खान कैसे आ गए? इरफान खान जानते हैं ना, जानते हैं जी शर्मानी जी, तुझे कैसा हिंदुस्तानी है, जवान के भीख मांग रहा है। तो बोला भाई मैं भीख जरूर मांग रहा हूँ लेकिन मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ। कौन है? पाकिस्तानी। तो बस जो है बड़ी भी बातें नहीं कर रही है ना, लेकिन बाबा राम भी बोलते कलाकार जिनको देख के हमें कॉमेडी हंसी आ जाती है, जॉनी लीवर साहब। जॉनी लीवर साहब एक बार जरा ताली बजा दीजिए। पंडित जी मजा आ रहा है? जॉनी लीवर साहब पहुंच गए वीरप्पन के सामने, क्या होता है देखिए। जॉनी भाई बाबा वीरप्पन छप्पन, अबे इतनी गंदी शक्ल के पैदा कैसे हो गया तू? तुझे धरती पे किसने पैदा किया? आनंद जी ने? अबे वैसा गंदा काम नहीं करते, इतनी गंदी शक्ल। तो मोहित ने पूछा किससे बात कर रहे हैं? वो कौन है गंदी शक्ल वाला? सर वो गंदी शक्ल वाला कोई नहीं है, वो तो आईना है, उसमें आप ही दिख रहे हैं।
मिरर इमेज। इरफान खान कहीं से आ गए? इरफान खान जानते हैं ना, कितने लोग जानते हैं? ताली बजा दिए यार, मैं जब ताली बजाने बोलता हूँ तो कम बजाते हो। भारत माँ से कितने लोग प्यार करते हैं, इधर ताली बजाइए। ये अच्छी बात है कि भोपाल में देशभक्त बहुत है। मैंने देखा परसों भोपाल में एक नौजवान भीख मांग रहा था, नौजवान हट्टा कट्टा नौजवान भीख मांग रहा। मैंने कहा शर्म आनी चाहिए तुझे, कैसा हिंदुस्तानी है जवान होके भीख मांग रहा है। तो बोला भाई मैं भीख जरूर मांग रहा हूँ लेकिन मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ। मैंने कौन है? पाकिस्तानी हूँ। तुमने कहा हिंदुस्तान में क्यों भीख मांग रहा है? तो बोले कहाँ मांगू। मैंने कहा अपने देश में मांग, किससे मांगू, वहाँ तो सब मांग रहे हैं। मैंने कहा अपने प्रधानमंत्री से मांग, बड़ी बड़ी बातें करता है वो। बोले भाई किसी को बताना मत, मैं प्रधानमंत्री हूँ, इमदाद खान। तो वक्त जो है पलट सकता है, इसलिए बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहिए ना, लेकिन बड़ी बड़ी तालियां जरूर बजानी चाहिए। बाबा रामदेव भी बोलते ताड़ी बजाओ लाभ होता है, ताड़ी बजाओ लाभ होता है। एक पहुंच गया ताली बजाने वाला, क्या लाभ होता है बाबा? ए बाबा, ए योगा का ढाबा, ताली बजा के क्या लाभ होता है बाबा? हाथों की नसें ठीक हो जाती है। 40 साल से बजा रही हूँ, ना नस ठीक हुई ना नसल ठीक हुई है, सिर्फ 6 सेंस बढ़ा है। वेरी गुड। क्या करता क्या? गाना गाता हूँ। सुना? कुछ भी नहीं आज इसके सिवा, ना मैं किसी का ना कोई मेरा, सबको पता था मैं कमजोर हूँ, मैं इसलिए आज कुछ और हूँ, कुछ और हूँ। वेरी गुड। गाना अच्छा गाता है। नाम क्या तेरा? सिकंदर। सिकंदर नाम बदल दे। सिकंदर का मतलब होता है अलेक्जेंडर। हाँ तो हम भी तो अलेक्जेंडर हैं, ना आदमी है ना औरत है, अलेक्जेंडर है। तो इरफान खान पहुंच गए वीरप्पन के सामने। एक बार ज़रा इरफान साहब के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। हमारे देश का गौरव है, बहुत बड़े कलाकार है, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक छाए हुए हैं। फिलहाल उनकी तबीयत ख़राब है तो दुआ भी कीजिए, दो ताली बजा दीजिए। क्या भैया? अरे पहचानते बेटा हमको? अबे लड़की को डाय चक्कर क्या बेटा? अबे साले पहचानते हो कि नहीं? वीरप्पन ने बंदूक उड़ाई। अबे क्या कर रहे हो बे? अबे हमको मारना चाहते हो क्या? अबे हम तो जंगल में रोशनी फैलाने आए, सिसका लाए, सिसका लाए, सिसका। अब साले ये मत पूछो किसका लाए, सिसका लाए। अबे हमें डाकू बना लो, डाकू। हमने नाम भी सोच लिया, इरफान सिंह तोमर। अब इनके पीछे पहुँच गया नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन एक बार और ताली बजा दीजिए। देखिए हम कलाकारों की असली दौलत आपकी ताली ही है। अगर आप ताली नहीं बजाएंगे तो हमको ताकत नहीं मिलेगी। आप हंसते हैं इसलिए हमारे घर बसते हैं। वरना बहुत सारे लोगों की हालत खस्ते हैं। ताली बजा दीजिएगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी पहुंचे। किस तरह से जाते हैं, क्या देखिए, अंदाज पेश करा। बहुत जोर है तोरा में, बहुत ताकत है तोरा में, माँ का बाप का भाई का सबका कसम खा के नवाजुद्दीन माधुरी को छुड़ाएगा आज के दिन। वीरप्पन ने बंदूक उठाई। कभी कभी लगता कि भगवान तुम्हीं है। अब इनके पीछे पहुंच गए बहुत ही जबरदस्त कलाकार सुनील शेट्टी। तो वीरप्पन बोला ये ट्रक के नीचे कौन आए रे? अब इनके पीछे हो गया सैफ अली खान। वेव वेव वेव। अच्छा इन्होंने भी साबित कर दिया एक क्रिकेटर की संतान है। अपने खुद के जीवन में, खुद के जीवन में 2020 का मैच किया है। एक 20 साल बड़ी थी, दूसरी 20 साल छोटी है। इनको पद्मश्री इसलिए मिला क्योंकि फिर भी सेफ है। पहुंच गए। वेव वेव। बंदूक देखी, भाग गया। अब इनके पीछे पहुंच गए DID के ग्रैंड मास्टर मिठुन दा। तो वीरप्पन बोला सुन ली, आगे बोलो। वीरप्पन अगर तूने माधुरी को नहीं छोड़ा
तो मेरी आने वाली फिल्म जो कि बहुत बड़ी फ्लॉप है वो मैं तेरे ऊपर छोड़ूंगा। अरे तू तो तलब तलब के मर ही जाएगा। अगर नहीं मरा तो फिर तुझे ग्रैंड सैल्यूट। क्या बात क्या बात क्या बात। धर्म जी आ गए। धर्मेंद्र साहब दो पैक पी चुके थे। वीरप्पन डाकू की औलाद, डाकू की औलाद, मैं तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा और अगर कुत्तों ने खाए तो खुद खा लूंगा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। वीरप्पन ने बंदूक उठाई लेकिन आज मेरा उपवास है। अब इनके पीछे पहुंच गए शाहरुख खान। तू तो खल्लास। वीरप्पन ने बंदूक उड़ाई शाहरुख खान। वीरप्पन जी ओम शांति ओम। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और जो बार बार हारे उसे कोलकाता नाइट राइडर्स कहते हैं। अन्ना हजारे जी भी पहुंच गए। अन्ना जी प्रणाम। अरे मेरा पान माई तेरे पक्ष में नहीं हो, ये सब नहीं करने को। ये आनंद का परिवार मेरा परिवार है, इसलिए अब अनशन मैं नहीं करूँगा, मेरा परिवार करेगा, आनंद करेगा, इसलिए भारत माता की। अब इन कलाकारों का अंदाज तो आपने देख ही लिया। कुछ ऐसे हमारे कलाकार भी है जो कहीं भी हमें प्राप्त हो जाते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन पे रानू मंडल मिल गई। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरा मेरा कहानी। अब हिमेश ने ढूंढ लिया उसको और गाना गवा दिया। कौन सा? तेरी मेरी। लगता है बहुत सारे रानू मंडल यहां भी घूम रहे हैं। मेल रानू मंडल। तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी। नाक से गाता है हिमेश रेशम। नाक से गाता है। अब हिमेश रेशम ने रानू मंडल को गाना गवा दिया तो दुनिया के जितने भिखारी है आप देख रहे हो, अभी अभी भिखारी नहीं दिख रहे, वो कहाँ है? वो सब के सब हिमेश रेशम के घर के बाहर धरना लड़के बैठे हुए हैं। हमको भी चाहिए भगवान के नाम से दे दे बाबा। बोले क्या चाहिए? गाना, खाना नहीं। आज बेटा ये बच्चा खो गया है, नहीं सॉरी इसके माँ बाप खो गए हैं, जहाँ कहीं भी हो इसे ले जाए, नहीं तो मैं इसको बॉम्बे ले जाऊँगा और रतन नूरा बना दूँगा। बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत ही खूबसूरत बच्चा है। बेटा तुमको किसने मेरी छाती पर छोड़ा है? अच्छा फोटो खिंचा। आपका बच्चा है? है? नाती। अरे वाह नाती नाती, तुम्हें कुछ कला आती? गाना ना गाते हो? नाम क्या बेटा? वंश। अंश वंश। अरे वाह वहाँ दादाजी यहाँ वंश। वंश चोटवानी। वंश चोटवानी। बेटा आज तुमने मुझे बहुत चोट दिए बेटा, लेकिन तुम देश का भविष्य हो और मैं भूत हूँ। दादाजी थैंक यू। मेरे दादाजी अब क्या परदादा बनते तक यहाँ फोटो खींचेंगे? आज बेटा 2-4 साल का तेरी शादी हो जाएगी। रुक जा आज। बहुत ही प्यारे इंसान है, बहुत ही नेक इंसान है। हाँ जी डांस ग्रुप। अच्छा जोरदार तालियां डांस ग्रुप के लिए। जल्दी से आ जाइए और आप लोगों ने इतना बढ़िया डांस किया है। मुझे मोहित ने पहले ही कहा था कि जो परफॉर्म करेगा वही खाना खा पाएगा, तो उन्होंने कर दिया, तो खाने के लिए जा रहे हैं और अब हमको वेट करना पड़ेगा। थैंक यू। सबके सब बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। देरी से। अच्छा अच्छा बॉम्बे से आप लोग? चलो लग ही रहा था आपकी कला को देख के आप लोग।
या तो भोपाल के हो सकते हैं या तो बॉम्बे के। ये देखो राहुल गांधी आ गए। क्या नाम बेटा आपका? सार्थक। सार्थक, तुमने अपना नाम सार्थक कर दिया आज। सार्थक कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? सेवेंथ। मेरे साथ रहना हमेशा, ठीक है? साथ साथ है। अब किसी का बच्चा ना है ऊपर, वरना अपने माँ बाप का बच्चा, मैं भूखा मर जाऊंगा। ये किसका बच्चा है? नाना पाटेकर का बच्चा। नाना पाटेकर का बच्चा, देखो कुछ अच्छा है। अच्छा अच्छा है, नाना पाटेकर का बच्चा है तो अच्छा है। बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। नाना पाटेकर टाइप के लग रहे हो तुम, वाकई शक्ल भी तुम्हारी काफी मिलती जुलती है। इससे पहले कि तुम पे मीटू का आरोप लगे निकल लो यहाँ से। बहुत ही प्यारा है, जोरदार तालियां प्लीज। भोपाल में कलाकारों की कमी नहीं है गालिब, एक ढूंढो हजार मिलेंगे, दूर ढूंढो पास मिलेंगे। आइए मैं हमारे विश्वन भाई से कहूंगा कि मेरी मदद करे। आ जाओ बेटा, इसके लिए कुछ पैसे ला देते तो ज्यादा अच्छा होता। इसमें पैसे ढूंढना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मजाक करो। गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छी। मेरी बात का कोई सीरियसली मत लेना, क्योंकि ये जो मेरी बातें हैं मुझे मेरे घर वाले सीरियसली नहीं लेते। मैंने अपने पत्नी को फिल्म दिखाई थी रांझना, तो पत्नी क्या कहती मालूम क्या? मेरे प्यारे रांझना, मेरे प्यारे रांझना। मैंने कहा आगे तो बोल, बर्तन सारे मांझना। काफ़ी लोगों ने बर्तन मांझे यहाँ पर। जा रहे हैं आप? हाँ प्लीज़। हाँ, ये बड़ा प्यारा सा फूल है, फूल गुलाब का, लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब का। फूल गुलाब का, देखा कितना प्यारा गाया, भाग गई। गाना सुन के लोग भागते हैं, ये कला मेरे अंदर है। आपके घर के मेहमानों को भगाना हो तो मुझे बुलाना। अब आप देखिए क्या क्या गाने बने। एक गाना आपने सुना होगा कई बार, यहां मैं जाऊंगा कि हमारे मिशन भाई हमारा साथ दे। वो गाना था, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई सुना होगा। ताली बजा दी इस गाने के लिए, कितना प्यारा गाना है। तो प्यार है किसी और का, हीरो कह रहा है हीरोइन से कि तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। मैंने कहा एड़े, जब तुझे कंफर्म है कि वो प्यार है किसी और का, उसे चाहता कोई और है, तो तू टाइम पास क्यों कर रहा है? लेकिन लौंडा भोपाल का था, उसने लड़के के इतने लफड़े बता दिए। कितने बताए सुनिए, कि तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। पहला लफड़ा, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। तू नजर में है किसी और की, तुझे देखता कोई और है। तू जान है किसी और की, तुझे जानता कोई और है। मैं कहा बहन कितने और है? तो ये भोपाल का लड़का ही साबित कर सकता है। ये दो लड़के कहां साबित करने जा रहे हैं? क्या साबित करना चाहते हो? कहां जा रहे हो? मेरे लाल पीले, जब तक यहाँ हरे नीले नहीं हुए तब तक रुको। भूख लगी हुई बेचारे, देश का भविष्य है, भूखा ना रह जाए। ये देखो टी शर्ट पहन के जा रहा है। एक बार ज़रा ताली बजा दीजिए, मैं 10-15 मिनट और आपके बीच में हूँ, उसके बाद मैं चाहूँगा कि आगे कार्यक्रम बढ़े। आप लोग इतना प्यार से सुन रहे हैं, इतना अच्छा सुन रहे हैं। देखिए धनुष की फिल्म, मैंने जो रांझना बात बताई थी, धनुष जो है गाना भी गाता है, पता ना आपको? उन्होंने कौन सा गाना गाया था? Why this gola meri gola meri gola meri team? Why this gola meri gola meri gola meri team? Why this gola meri gola meri gola meri team? Why this gola meri gola meri gola meri team? आपको बता दूं, अभी भी मुझे खुशी ने बताया
कि कोलावर से डी से पहले वो तीन गाने गा चुका है, कोलावरी ए, कोलावरी बी, कोलावरी सी। आपने वीडियो में देखा होगा ऐसा गाया है जैसा किसी ने पगार छीन लिया विद बोनस। अपनी माँ से पूछ रहा है, अम्मा सुर करेक्ट था अम्मा, माँ बोलती थी बड़े तू रजनीकांत का दामाद है तेरा क्या गलत हो सकता है। अब रजनीकांत तो इतने बड़े भगवान है, माँ का सम पक्का एक दिन आपको खबर आएगी कि भगवान रजनीकांत को प्यारे हो गए। वो इतने बड़े भगवान है। हाँ तो एक ऐसा ही बच्चा मेले में खो गया था, जैसे ये खो गया, तुमने मेरे बच्चे से पूछा पुलिस वाला बोलकर, मैं भी एसपी हूँ ना सुनील पाल, कि बेटा माँ के बारे में बता, तो इसी गाने में कहता है माँ मेरी कोल्हापुरी, बाप बाप मेरा सोलापुरी, क्या करते हैं दोनों बेचे छोला पूरी जी, माँ मेरी कोल्हापुरी, बाप मेरा सोलापुरी, दोनों बेचे छोला पूरी जी। बेटा आपके पापा कैसे दिखते, पापा 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 दिखते कैसे, पापा कलर व्हाइट व्हाइट।